ऐसा जी आ गए। लाइफ एक रेस है मेरे साथ, बोलो लाइफ एक रेस है, बोलो। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई और आगे निकल जाएगा, एंड यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आप लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उमंग आती है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने इतना प्यार दिया। मेरी तरफ से जितना प्यार मैं बांट सकता हूँ मैं करता हूँ, बहुत लव करता हूँ आप लोगों से, आपके चेहरे देखता हूँ। बस गुड बाय। एक जादू की चप्पी दो सब लोग, एक जादू देखो। सर वीडियो के लिए बच्चों के लिए तो आया, बच्चों को टूट आ गया पंडित वीडियो के लिए। अरे सर साथ में, सर सर साथ में वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। कैन वी हैव द मीडिया प्लीज एंड मीडिया सो दैट वी कैन इंट्रोड्यूस देखिए, जब भी मुझे वक्त मिलता है अगर मैं मुंबई में हूँ तो मैं आ जाता हूँ। आज मैं मुंबई में नहीं था, मैं डायरेक्टली बाहर से यहाँ पे आ गया हूँ। आई फील इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम बच्चों को और सच बताए, उन लोगों को आपकी दया नहीं चाहिए, उन लोग मांगते भी नहीं दया। उन लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है, उन लोग रिकवर कर रहे हैं, वो उन लोग के पास इतना साहस है कि आपकी दया की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा प्यार मिल जाए उन लोग बहुत खुश है। कोई बोले अरे बेचारा, उन लोग वो सुनना नहीं है, उन लोग कोई बेचारा नहीं है, उन लोग बहुत ही तकलीफ़ से गुजरते हैं। वो दया देने में उन लोग का कोई फ़ायदा नहीं, प्यार देने में बहुत फ़ायदा है, और बहुत हमको भी बहुत प्यार मिलता है, और ये प्यार के एक्सचेंज में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ। बच्चों भी ऐसे दिखाते नहीं कि उन लोग की इतनी तकलीफ़ है, इतनी बीमारी है। कोई आके लंबा मायूस चेहरा लेके एक भी बच्चे को आप नहीं देखेंगे कि एक बच्चे के चेहरे पे वो ऐसे लगता है कि मायूस है या लंबा चेहरा बना के आके बैठे हैं यहाँ पे। सब खुश है, सब मुस्कुरा रहे हैं और ज़िंदगी को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी उनके नसीब में एक्सेप्ट करते हैं, और जितने भी दिन हैं वो जम के जीते हैं। बहुत लव करता हूं मैं, और जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं आते रहूंगा। कितने परेशानी हो रही है आपको डीमोनेटाइजेशन चेंजिंग द करेंसी से? सर ये इससे क्या लेना है देना मुझे, तो मतलब हो रही होगी थोड़ी बहुत चेंजेस पैसे में होता है। देखिए मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, अगर मैं इकोनॉमिस्ट होता तो मैं आपको 100 जवाब दे सकता हूँ उसका क्या उसका नतीजा होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर मुझे ये सब मालूम होता तो मैं इकोनॉमिस्ट बनता, मैं एक्टर नहीं बनता। जो होगा देखा जाएगा, वी डोंट नो येट क्या उसका नतीजा। जैसे अभी आपने थ्री इडियट की बात की है, थ्री इडियट मूवी की रिसेंटली करा कॉफी विद करण में शाहरुख खान ने कहा था कि अगर उनका कोई ऐसा किरदार है या कोई ऐसा रोल है जो नहीं करना चाहते थे नहीं मिल पाया तो ही सेड ही वांट टू बिकम अ फोर्थ इडियट। अगर उनकी मूवी ऐसा बनेगी तो ही वांट टू बिकम फोर्थ इडियट, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? व्हाई नॉट, शाहरुख खान इज सच अ फाइन एक्टर, जिंदगी में अगर आपने देखा हो कितना अच्छा काम किया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर हम आए हैं तो ये डीमोनेटाइजेशन और फिल्म की बात छोड़ो, बच्चों की बात करो बस, है ना। एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई सीरीज में बच्चों की बात की गई, सोशल कॉस्ट की बात की जी, और मुन्ना भाई के बारे में आपको बताना चाहिए। देखिए मुन्ना भाई की जो थर्ड पार्ट है वो अब इस वक्त तो नहीं बन रहा है, फिलहाल में राजू हिरानी साहब एक दूसरी फिल्म लिख रहे हैं, आपको पता होगा वो फिल्म के बारे में। तो वो फिल्म बनेगी और दो चार आइडियाज़ हैं उनके पास, वो उन वो आइडिया को डेवलप करते जाएंगे। जब तक वो खुश नहीं रहेंगे ना, राजू हिरानी ऐसे है कि जब तक वो खुश नहीं है वो पैसों के लिए, एक फ्रेंचाइज है वो, कल पिक्चर अच्छी भी नहीं रहेगी तो 200 करोड़ की का धंधा करने वाला है। लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो पिक्चर तभी बनाएंगे जब उनको मुन्ना भाई के लायक कोई स्क्रिप्ट मिले, जो विच इज़ वर्दी ऑफ मुन्ना भाई, तब वो पिक्चर बनाएंगे। तब तक
इंतजार करेंगे, बहुत प्यार है हमको मुन्ना भाई सीरीज से. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सीपीए की तरफ से. और आज खास दिन है मेरे लिए, मेरी बहन का जन्मदिन है. और मुझे लगा एक अनीता जी ने मुझे इनवाइट किया था. और आई थिंक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि एक स्पेशल डे आप ऐसे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि औरों की सेलिब्रेशन में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. और वो ये कि मैंने ये कहीं पढ़ा भी था और मुझे बहुत खूबसूरत ये चीज़ लगी कि हम इनकी सालों में ज़िंदगी ऐड कर रहे हैं. तो आई थिंक इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आई, क्योंकि बच्चे मुझे वैसे ही पसंद है. और इनके साथ डांस किया, इनके साथ एंजॉय किया, तो मैं खुश हूँ कि मैं अपने ज़रिए कुछ तो कुछ मैं कर पाई अपने तरफ से. ईशा जी, इसके अलावा डीमोनेटाइजेशन की बात करें जी, आप कितने परेशान हुए हैं, करेंसी को चेंजेस हुए हैं? सच में बोलूँ बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि 200 300 400 रुपए से ज़्यादा नहीं हो रहे थे तो उस हिसाब से. मगर ठीक है, आई थिंक गवर्नमेंट जो भी कर रही है हम सबके लिए बेनिफिट के लिए. अभी देखते हैं 30 दिसंबर तक क्या होता है. बॉक्स ऑफिस को हल्का बहुत कर रहा है, मगर आई थिंक दुनिया में हम एक्टर्स लोग हमारी फिल्मों से ज़्यादा भी बहुत कुछ हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में ओवरऑल बहुत फ़र्क पड़ा है, अच्छा और बुरा. तो आई थिंक मैं उसमें ज़्यादा कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि जितनी भी हबरा तबरी मच रही है पूरे देश में वो सॉल्व हो जाए एंड फिल्में तो बनती रहेंगी. कमांडो 2 अभी 6 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, उसके बाद बादशाह हो कि हम शूटिंग करने जा रही हूँ अब मैं 3 दिन में, और वो है 12 मई को रिलीज़. थैंक यू.